जो आवारा गोवंश आपके घरों के आसपास घूम रहे हैं उनको पकड़ा के सही जगह पर पहुंचाने के नाम पर गौकशी कैसे की जा रही है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे खास बात यह है कि ये जो पूरी घटना हुई है मेरे घर के पास में हुई है, आप इस बात को समझिए। और जब मैंने इस पूरे मामले को मैं समझा और आप बैठ कर जब मैंने उस पर मंथन किया तो मेरा दिमाग हिल गया है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। क्या केवल गौकशी करने वाले लोगों ने ही इस तरीके से किया है या फिर कोई साजिश भी है, ये अपने आप में हिला देने वाली बात थी। मैं आपको बताऊं कि मेरे ही गांव के कुछ लोग जो है इसको दौड़ा के शाम के वक्त जो है गांव के लोग थे और उनके साथ में दो लड़के थे जैसा उन लोगों का कहना है, और दोनों पल्सर से आए थे और दोनों लड़के आते हैं बाकायदा जो है इसको दौड़ा के पकड़वाते हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों के खेत में गौवंश नुकसान पहुंचा रहे हैं इसलिए मैं इनको यहाँ से ले जाकर कहीं और छोड़ दूंगा। मतलब अजीब तरीके का समाज सेवा है साहब, ऐसी समाज सेवा तो मैंने देखी नहीं आज की पहले कभी। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि गौवंशों को जो एक महीने से मेरे आंखों के सामने मेरे घर के आसपास टहल रहे हैं, जिनको मैंने कभी सोचा नहीं कि कभी इनको इधर उधर कुछ किया जाए, कोई नुकसान नहीं हुआ, उन गौवंशों को आखिर कौन से इतने बड़े समाज सेवी आ गए जो रात के अंधेरे में इनको पकड़ के बांध रहे हैं। संयोग अच्छा था कि और दुर्भाग्य मेरा था कि मैं उस वक्त जो है उनको देख नहीं पाया, वरना मैं उसी समय बैठा लिया होता भैया। लेकिन आप ये समझिए, थोड़ा सा मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, थोड़ा सा करीब आइए, दिखाइए। हाँ, जो हमारे बाजार के पास है गोवंश है, और इसके इसके गले में देखिए आप बकायदा जो प्लास्टिक की रसरी होती है जिससे कोई भी गोवंश आप किसी भी किसान के घर पे बंधा हुआ नहीं देखेंगे, उसने बकायदा कस कर इनका मुंह जकड़ा हुआ है। ये देखिए उस तरफ भी देखिए एक गोवंश, और मेरे आंखों के सामने पिछले एक महीने से ये गोवंश यही टहल रहे थे। समझिए अचानक से समाज सेवी पैदा होते हैं और इसके बाद रात के अंधेरे में इनको जो है यहाँ बांधते हैं। और इतना ही नहीं साहब, दिमाग तो और तब हिल गया जब इन दोनों के बाद से आप इस तरफ दिखाइए, थोड़ा आइए अंदर आइए, इधर अंदर आइए, इधर अंदर आइए और अंदर आइए, बदल इधर आइए, अंदर आते रहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये गोवंश देखिए, ये जो गाय देख रहे हैं आप ये देखिए, ये मार सकती है, लेकिन आप देखिए ये जो प्लास्टिक की रसरी है साहब, इस प्लास्टिक की रसरी से इसको बांधा गया है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि क्या कोई भी किसान इन गौवंशों को लेकर जाएगा तो इस रस्सी से, जो ये रस्सी है प्लास्टिक की, इससे बांधेगा इनको, ये खोलना नहीं है इसको। जिन लोगों ने बांधा है उनका इंतजार करना है जी, समझ रहे हैं ना, जिन लोगों ने इसको बांधा इंतजार करना है। और मेरा दिमाग तो इसलिए भी हिल गया है क्योंकि ये सबको पता है कि लाखों लोग दिन भर मुझे देखते हैं और दिन भर मैं ऐसी समाज सेवा कर रहा हूँ। तो सवाल तो ये है कि आखिर मेरे घर के पीछे वो कौन लोग थे जो इन गौवंशों को बांध के गए हैं। और जब शाम के वक्त मैं घर पे आता हूँ तो जब ये पूरी जब पूरा मामला मेरे सामने आता है मेरा दिमाग हिल जाता है। और साहब देखिए दुर्भाग्य तो ये है कि जैसे ही अब समझिए ना, अंदाजा लगाइए कि ये जो प्लास्टिक की रस्सी है उस प्लास्टिक की रस्सी से इन गौवंशों को बांधा गया है और एक महीने से यहीं पर ये घूम रहे थे, ये स्थिति है साहब। और गांव के लोगों को बाकायदा मिला करके ये बताया जाता है कि आपके खेत को ये नुकसान नहीं पहुंचाएं इसलिए मैं इनको कहीं पहुंचा दूंगा, और चुपके से रात के अंधेरे में इसको ऐसे ही कहीं बांध कर चले जाते हैं, और जब पूरा इलाका सो जाता है तो फिर वो अपनी घटना को कारित करते हैं, अंजाम देते हैं। नहीं नहीं साहब, आप ये समझिए कि बाकायदा अगर इनको जिन लोगों ने बांधा है तो आप समझिए कि क्या मकसद उनका रहा होगा। क्या इनको एक खिलाने पिलाने के लिए बांधे हैं यहाँ पर? क्या इनको गौशालाओं में भिजवाने के लिए बांधा गया है? किस लिए आखिर इनको बांधा गया, और वो भी इस बेतरतीब तरीके से? आप अंदाजा लगाइए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस बात की भी आशंका है कि मेरे घर के पीछे इन गौवंशों को इसलिए भी बांधा गया है क्योंकि उन गौकसों के साथ ये लोग मिल करके मेरे ऊपर बाकायदा आरोप लगवा सके कि आलोक दुबे गौकसी जैसे घटनाओं में कारित करने में संलिप्त रहते हैं, इस तरीके के भी आरोप लगवाने की आशंका मुझे प्रतीत हो रही है। आप समझिए इस बात को, क्योंकि लगातार इन संवेदनशील मुद्दों पर मैं ही बात करता रहता हूं। तभी गाय बांधी गई, ये मुझे इसका भनक तक नहीं लगा है, और जो बाधा है वो कौन था, कहां जाएगी ये गाय, कहां लेकर जाना चाहता है, इसकी जांच होनी चाहिए। गांव के कुछ लोग भी थे जो इसको बधवाने में सहयोग कर रहे थे, लेकिन गलती उनकी इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनको पता था कि हमारा खेत नुकसान कर रहा है, ये लोग इसको पकड़ने के लिए आए हुए। लेकिन अब उनकी मूर्खता ये है कि वो इतना नहीं पूछे कि इनको पकड़ के लेकर जाएंगे कहां, आखिर वो निश्चल स्वभाव से हमारे लिए समाज सेवा क्यों कर रहे हैं कि गौवंशों को पकड़ रहे हैं, कहां ले जाएंगे, ये सवाल पूछना चाहिए। और इधर देखिए दो गौवंश इधर हैं, इसको दिखाइए, यहां देखिए दो गौवंश यहां हैं और ये बाकायदा महीनों से यहां घूम रहे हैं, मेरे आंखों के सामने महीनों से घूम रहे हैं, और आज बाकायदा देखिए प्लास्टिक की रस्सी से बेतरतीब तरीके से इनको बाकायदा बांधा गया है।
और पूरी रात में इस बात का इंतजार, क्योंकि मैंने कहा भी है कि अगर गौवंशों को किसी ने बाधा है तो रात के अंधेरे में बाधा गया है, तो रात में ही इनको लेकर जाने के लिए आएंगे भी लोग। तो यहाँ पर दबिश देनी चाहिए थी, यहाँ पर घात लगा के पुलिस को बैठना चाहिए था, जिससे रंगे हाथ इन गौवंशों को पकड़ने वालों को पकड़ा जा सके। ये देखिए पीछे लाइट बंद करके कौन सी गाड़ी जा रही है, अच्छा उधर से जा रही है लोग, ठीक है बाइक है। तो ये है, अब पूरी टीम है इधर, आप इधर आ जाओ, आकाश है, इन तमाम जो ये मेरे छोटे भाई हैं, इनको मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि ये मेरा सहयोग कर सके कि रंगे हाथ आज मैं पूरी रात इंतजार करूंगा इस बात का कि जिन लोगों ने गौवंशों को पकड़ा है वो इसको बाकायदा पकड़ने भी आएंगे। इस बात की मुझे आशंका है, जिसकी आशंका मैंने पुलिस को भी सूचना दी है फोन पर, आशंका है दोनों चीजों की। पहला तो या तो जिसने यहाँ पर बाधा है उसे मेरे बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरे घर के पीछे बाधा गया, और अगर बाधा गया है तो मुझे इस बात की भी आशंका है कि मेरे खिलाफ बाकायदा साजिश की गई है, और इस साजिश में मुझे फंसाने के लिए इस तरीके की साजिश की गई, तो आशंका है कि मुझे फंसाने की भी साजिश हो सकती है। इसकी जांच की मांग करता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। अंधेरे में यहां पहुंचे हैं और रात के अंधेरे में अब गौ माता को बचाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उन दरिंदों को भी हम पकड़ने की गौ माता। चलिए।